दोस्तों, इस यूनिट डिस्कस करने वाले मलेशिया T10 बेस्ट चैंपियनशिप 2021 सीरीज का आज का दिन का सेकंड T10 मुकाबला के बारे में, जो खेला जाएगा CS वर्सेस KLS के बीच में। गाइस, बहुत शानदार मुकाबला जाएगा KLS की टीम से। इनका तीन ही मुकाबला कंप्लीट हुआ है, दो जीता है एक हारा है। क्या कुछ रहेगा बैटिंग ऑर्डर, हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कंप्लीटली। आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को वॉच करोगे ना पूरे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, आप प्लेयर को रख के प्लेयर को हटा सकते हो, मतलब पूरी नॉलेज आपको आ जाएगी भाई, किसको रखना बेटर रहेगा किसको नहीं रखना बेटर रहेगा ना, वो चीज़ें हमें आप में आ जाएगी। आप खुद से टीम क्रिएट कर सकते हो बेहतरीन वाला। बाकी स्टार्टिंग ओवर डेथ को ओवर कौन करेगा, बेंच पर जितने बैठे प्लस सबका नाम सबका स्टार्ट सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट टाइम का फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको पता है कि भाई टेलीग्राम पर मिलता है, तो भाई वो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं, सिंपली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जल्दी पे लिंक पे क्लिक करो और हमारे साथ जुड़ो। आज हमने जितने भी मैसेज कवर करा, पिंक T20 वाला, मलेशिया वाला, ओमान वाला, सारे के सारे बेहतरीन जा रहे भाई। और ये भी वाला मुकाबला मेरे को लगता है कि भाई जाएंगे मुकाबले बेहतरीन, और यही मेरी कोशिश रहेगी। तो टेलीग्राम पर चले आना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, लिंक नहीं काम करा तो फिर टेलीग्राम ऐप को ओपन करके आप सर्च कर सकते हो @expert2022 लिखेंगे, 9200+ सब्सक्राइबर आपको दिखेगा, यहीं पे क्लिक करके जुड़ना है, यही मेरा रियल चैनल है, नीचे हमारे ही नाम से फेक है, तो आप उसे बिल्कुल भी सावधान रहोगे। बात रहे मुकाबले टाइमिंग के, 6:30 बजे नाइट को मुकाबले होंगे, दोपहर को वेन्यू सेम रहेगा, मतलब मलेशिया T10 वाला हर एक मुकाबले इसी वेन्यू पे हो रहे, ठीक है। विकेट आपको न्यूट्रली मानना है, अभी तक वेन्यू पे 18 मुकाबले कंप्लीट हुआ है। बैटिंग जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है ना, 8 जीता है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 1 जीता है, और 9 मुकाबले 9 रिजल्ट रहे, मतलब जो फर्स्ट में बैटिंग कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से सेकंड इनिंग से। पहले बात करेंगे KLS टीम की, तो गाइस मैं बताया था कि इनकी टीम के तीन मुकाबले कंप्लीट हुआ है, दो जीता एक हारा है। इनके जो मेन ओपनर है पीटर डिसाका, इनके साथ आएंगे संतोष गुसावी, टीम के मेन ओपनर है, कहेंगे खेलेंगे दोनों कोई तो कन्फर्म ओपनिंग करेगा। पीटर डिसाका लास्ट मुकाबला 27 रन करते बॉल नहीं डाला था, बट उसके पहले मुकाबले में 23 रन, 2 विकेट, 2 बार डाल के बॉलिंग कभी कराता है कभी नहीं कराता, बट एज अ बैट्समैन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैप्टनशी वाइज कैप्टनशी करना मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 मुकाबले बॉलिंग नहीं कराई, 1 वाला मुकाबले बॉलिंग करा, अगर फिर से बॉलिंग नहीं करता तो सीधे सीधे आपको लॉस करवाएगा, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं कि आप कैप्टन करो। स्मॉली की टीम एज अ प्लेयर पिक करो, बैटिंग से प्लेयर बहुत ही शानदार है। संतोष गुसावी टीम के कैप्टन है, लेफ्ट बैटिंग कराता है, लेफ्ट मीडियम पेसर बॉलर है, स्टार्टिंग वाला मुकाबला नहीं खेला था, सेकंड वाला मुकाबला में 2 रन बैटिंग से करा था, बॉलिंग से 2 ओवर के बॉलिंग करा के 1 विकेट निकाला था, फिर थर्ड वाला मुकाबला में विकेटलेस गया और वहाँ पे 0 पे आउट होता था, ठीक है। प्लेयर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप इस मौली की टीम में संतोष गुजारी को डायरेक्टली पिक करो, ठीक है। प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, बैटिंग से भी स्ट्रांग है, बॉलिंग से भी स्ट्रांग है, तो प्लेयर ही पिक करो। सामने की टीम भी बढ़िया टीम है, अगर सामने की टीम वीक रहता तो फिर हम इनको कैप्टन करते, बट स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेयर पिक करो। निरंजन विसिंघे 1 डाउन खेला था, बट मोस्ट प्रॉब्लम नीचे खेलेगा, बैटिंग ऑर्डर में इनको बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगा आज वाला मुकाबला में, ग्रैंड लीग पिक रहेगा, क्योंकि इनके जगह पे 1 डाउन खेलता है चंदन कुमार, तो फिर इनको छोड़ के चंदन कुमार 1 डाउन मोस्ट प्रॉब्लम खेलेगा। और लास्ट मुकाबले में इन्होंने 22 रन करे थे, 2 ओवर की बॉलिंग भी कराई थी लेकिन विकेट मिला नहीं था, कंप्लीटली कोटे का डाल रहा है, 1 ओवर स्टार्टिंग और 1 ओवर डेथ में जब भी खेलता है कोटे का 2 करता है। बैटिंग से स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिसेंट में एक सीरीज़ खेला गया था मलेशिया T10 बेस, और ये जो चल रहा है मलेशिया T10 चैंपियन चल रहा है, ठीक है। बेस वाला जो सीरीज चल रहा था ना वहाँ पे बहुत अच्छा खासा टच में था। स्मॉली की टीम में आप इन पे रिस्क लेकर VC आप कर सकते हो, कैप्टन नहीं VC कर सकते हो, ठीक है। प्लेयर बढ़िया है, विकेट तो नहीं निकाले है लास्ट मुकाबला, बट बहुत ही गजब का प्लेयर है, बैटिंग से भी बढ़िया है, प्लस आपको बॉलिंग से भी अच्छे करते करते नजर आएंगे। अभिषेक देशपांडे 1 वाला मुकाबला में भाई ओपनिंग करा था, जहाँ पे इन्होंने 3 रन करे थे, बाकी सारे मुकाबले में नीचे भी खेल रहा है, कई मुकाबले में खेला भी नहीं है, लेने कोई मतलब बनेगा नहीं। T10 में 6 मैच में सिर्फ 4 रन है, T20 में 11 मैच में सिर्फ 18 रन, कुछ खास प्लेयर है नहीं, टीम तो सिर्फ विकेट कीपरिंग करेगा, हम अदर प्लेयर के साथ जाएंगे विकेट कीपर सेक्शन में, इनको हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे। उनके बाद आएंगे फहद मकसूद अली खान, ये आपको ना लास्ट मुकाबले में डेथ में डाला था, एक ओवर डेथ में डाला था लेकिन विकेट इनको मिला नहीं था। स्टार्टिंग के 2 मुकाबले देखोगे तो वहाँ पे 1 वाला मुकाबले में 3 रन करे थे, ग्रैंड लीग के पिक रहेगा, अगेन स्मॉली की टीम में बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, अगर इनके ज़्यादा टीम के प्लेयर नहीं खेलते ना भाई, तो फिर से इनको अगर बॉलिंग मिलता है ना तो फिर आपके लिए एक डिफरेंट रहेगा। फहद मकसूद अली खान आपके लिए एक डिफरेंट रहेगा, इस पर आप फोकस करके चलना। उनके बाद आएंगे राहुल अग्रवाल, जो कि पहले वाला मुकाबले में 1 नॉट आउट, सेकंड वाला मुकाबला खेला नहीं, लास्ट मुकाबला खेला था, बैटिंग से 4 रन करा था, एज ए बैट्समैन खेलता है, क्योंकि इसी
फैन कोड मलेशिया T10 चैम्पियन बेस्ट चल रहा था, जहाँ पे इनकी टीम ने मतलब खेली थी सीरीज, 4-5 मुकाबले खेले थे, वहाँ पर एक वाला मुकाबला ओपनिंग करा था, मतलब कम्प्लीटली एज ए बैट्समैन है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है। आप इनका T10 का देखोगे तो 7 मैच में 18 रन है, T20 का 6 मैच में 82 रन है। ग्रैंड लीग पिक रहेगा, T10 में बहुत ज़्यादा नीचे खेलता है। तनवीर खान टीम के मेन विकेट टेकर बॉलर है, जैसे कि लास्ट मुकाबले में 3 विकेट निकाला था कंप्लीट 2 ओवर डाल के, और आपको डेथ में डालते नजर आएंगे। उसके पहले मुकाबले 2 ओवर 1 ओवर 1 विकेट, यहाँ पे 2 ओवर विकेट लेस। आप रिसेंट का स्टेट दोगे, बढ़िया स्टेट से T10 का देखोगे बढ़िया है, T20 का बढ़िया है, कंप्लीट एज अ बॉलर खेलता है टीम की तरफ से, टीम के मेन विकेट टेकर बॉलर है, राइट मीडियम पेस बॉलिंग करवा लेता है। हम इनको बिल्कुल भी प्रेफर करेंगे स्मॉल लीग की टीम में, कि आप इनको ना स्मॉल लीग की टीम में डायरेक्टली पिक करो। उनके बाद मई उद्दीन ने लास्ट मुकाबले में फील्डिंग कराई थी, बट एज अ बॉलर खेलता है। अगर यहाँ पे आते हैं दोस्तों, कहाँ गया भाई, एक प्लेयर था फहाद मकसूद अली खान, अगर ये बंदा बॉलिंग नहीं करेगा ना, तो फिर इनके जगह पे मईउद्दीन ये बंदा आपको बॉलिंग कर देना चाहेगा उनके जगह पे, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही बॉलिंग करेगा, ठीक है, जो भी करेगा उसको ओवर कट होगा। उनके पास सोए मकानी, जो सिर्फ फील्डिंग करवाई थी, तीनों मुकाबले फील्डिंग कराए, लेने कोई मतलब बनेगा नहीं, T10 भी स्टेट बढ़िया नहीं है। नीलेश कंप्लीट 2 ओवर डाला था, बट स्टार्टिंग जो जो मुकाबले हुए थे ना, वहाँ पे एक भी ओवर नहीं डाला था, तो हम इन पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। T10 में 5 मैच में 5 ओवर विकेट लेस, पिटाई बहुत ज़बरदस्त हुआ है, तो फिर इनको भी हम छोड़ेंगे। देखो आपने इस टीम से पीटर इसाक, संतोष गोसावी को पिक करना है, चंदन कुमार वन डाउन ही खेलेंगे, 3 हो गए। उनके बाद मेरे को लग रहा है कि फहद मकसूद अली खान बॉलिंग नहीं करेगा, ठीक है, तो इनको छोड़ेंगे। तरवीर खान को डायरेक्टली पिक करेंगे। मईउद्दीन यार आपके लिए एक डिफरेंट रहेगा भाई, ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, एक आध दो टीम में, दो तीन टीम में रख लो इसको, सिलेक्शन बहुत ही कम है, हम स्मॉल लीग की टीम में भी रखेंगे, कंडीशन देख करके बताऊंगा टेलीग्राम पे। उनके बाद यहाँ पे नीलेश ने बॉलिंग कराई थी, बट मेरे जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये बंदा बॉलिंग नहीं करेगा आज वाला मुकाबले में, क्योंकि इनके जो यहाँ पे कदरी सुबरना है बॉलर, मेन बॉलर टीम के, ये बेस पे बैठे, अगर ये खेलता है तो बिल्कुल भी बॉलिंग हाथ नहीं लगेगी उनकी। स्टार्टिंग ओवर संतोष गुसा भी पहला डाला था, दूसरा डाला था तनवीर खान ने, तीसरा डाला था नीलेश ने, नीलेश बॉलिंग नहीं करेगा अगर समानता खेलता है तो। डेथ में फहद मकसूद अली खान मेरे को लगता है कि नहीं करेगा, इनके जगह पे करेगा मईउद्दीन, दूसरा आए थे चंदन कुमार, तीसरा आए थे संतोष गुसावी, चंदन कुमार संतोष गुसावी मस्ट पिक रहेगा। उनके बाद बैंक पे जो भी बैठा है, प्लस हमने सबका स्टेटस लिखा है, खेल देगा, थोड़ा हम डिटेल में बता देंगे टेलीग्राम पे, तो क्या दिक्कत है भाई, वो टेलीग्राम पे चले आओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बात करेंगे सेंट्रल स्मैश टीम की, मैंने बताया कि इनकी टीम ने भी 3 खेले, 3 जीता है। इनके जो मेन ओपनर है अहमद जुबैदी जुल्फिकल है, इनके साथ है अजैब खान, टीम के मेन ओपनर है, और मोस्ट प्रोबली देखो अगर अजैब खान नहीं ओपनिंग करेगा ना अहमद जुबैदी के साथ, तो भाई फयाज करेगा, ठीक है, फयाज और अहमद जुबैदी ओपनिंग करेगा, 1 डाउन आएंगे अजैब खान, ये बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। अहमद जुबैदी आपका अच्छा खासा टच में है, लास्ट मुकाबला 33 रन का था, उसके पहले 49 नॉट आउट, 10 मैच में 10 इनिंग 187 रन, 18 का एवरेज से कम्प्लीटली बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा खासा बैट्समैन है, हम स्मॉली की टीम में लेंगे। उनके साथ आएंगे अजैब खान, राइट हैंड बैटिंग कराता है, लेग स्पिन बॉलिंग करवा लेता है, पहले वाला मुकाबला विकेट लेस गया था, लेकिन बैटिंग से अच्छा खासा टच में था, यहाँ पे 2 नॉट आउट 3 विकेट, लास्ट मुकाबला 39 रन और 2 विकेट कंप्लीट 2 ओवर डाल के, हम स्मॉली की टीम में अगैन इनको कैप्टन करेंगे। T20 जगह बहुत ही गजब का स्टार्स है, रख के चलेगा, मोस्ट प्रोबली 1 डाउन ही खेलेगा। अहमद फैज ओपनिंग करवा सकता है जुबैदी के साथ, अहमद फैज लास्ट मुकाबले में स्ट्रगल किया था, बट स्टार्टिंग वर्क के 2 मुकाबले में बहुत ही बढ़िया टच में था, 37 रन 17 रन, आप इनका T20 का देखोगे तो 20 मैच में 470 रन है भाई, प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्के में मत लेना, और आप स्मॉली की टीम में फिक कर लेना। फित्री शाम को एक ही ओवर मिला था, क्योंकि समुद्र टीम था जो हार गई थी बहुत जल्दी, और एक विकेट निकाल लिया था, उसके पहले मुकाबले में 2 ओवर 1 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, टीम के मेन विकेट टेकर बॉलर है, और T20 में अच्छा खासा विकेट निकाले हैं, जब भी खेलेंगे कोटे का एक ओवर डेथ में जरूर डालेंगे। उनके बाद आएंगे अमर हुजाइदी हजलन, जो आपको विकेट के पास एकदम में दिखेगा, ग्रैंड लीग ही पिक रहेगा, और एक वाला मुकाबले में इनको ओपनिंग करवाया गया था, 1 डाउन भी खेलते हैं मोस्ट प्रोबली, बट मेरे को लग रहा है इस वाला मुकाबले में 1 डाउन नहीं खेलेंगे, क्योंकि सामने की टीम भी बढ़िया है, तो फिर इनको छोड़ सकते हो। उनके बाद आएंगे अजबर अहमद ताजरी, जो सिर्फ आपको बैटिंग करवाते नजर आएंगे, 12 नॉट आउट का था, उसके पहले सिर्फ फील्डिंग कराई थी, हालांकि T20 का देखोगे तो एवरेज है, उतना बढ़िया है नहीं, पार्ट टाइम बॉलिंग करवाई है T20 में, बट यहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा। नोरावीर जमी, जो आपको सिर्फ फील्डिंग करवाते नजर आएंगे, लिस्ट का देखोगे वहाँ पर भी कुछ खास नहीं था, ना ही यहाँ पर टीम इनको मौका दे रही है कुछ करने का, तो फिर लेने कोई मतलब ही नहीं बनता। अहमद अकमल कम्प्लीटली कोटे का डाल रहे,
पहले वाला मुकाबले में एक विकेट निकाला था, बाकी दोनों मुकाबले में जबरदस्त वाला पिटाई हुआ है ना, तो एक ही के ऊपर मिल के मतलब छोड़ दिया जा रहा है, सारे सारे ओवर नहीं करा रहे। बट T20 में देखोगे तो 45 में से 30 विकेट है, 88 ओवर डाल के, तो भाई T20 में भी ज़्यादा इनको बॉलिंग नहीं मिला है, तो फिर लेने कोई मतलब बनेगा नहीं है। मोहम्मद वाफिक एक ओवर स्टार्टिंग में डालता है और एक ओवर डेथ में डालता है, जब भी खेलेगा कोटे का दो करेगा, लेफ्ट एंड बैटिंग कराता है, लेफ्ट एंड मीडिया फास्ट बॉलिंग करवा लेता है, कम्प्लीटली कोटे का दो कराए और तीनों मुकाबले में विकेट निकाले, लास्ट मुकाबले में दो विकेट, यहाँ पर एक विकेट और यहाँ पर एक विकेट, अपने T20 करियर में भी अच्छा खासा विकेट निकाले। हम लेके चलिएगा, लेके चलेंगे लुकमान नूर हकीम, दो विकेट एक विकेट तीन विकेट निकाले, T20 में अच्छा खासा विकेट है, लेके चलिएगा इनको भी। उनके बाद आएंगे सुहारिल फित्री, जो दो दो बार डाल रहे हैं, लोग इनको इग्नोर करेंगे बट आप इनको इग्नोर नहीं करना अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो तो। देखो अपने इस टीम से ना अहमद जुबैदी, अजैब खान, अहमद फैज, फितरी शाम टॉप फोर डायरेक्टली पिक करेंगे। उनके बाद सीधे नीचे उतर के आएंगे मोहम्मद वाफिक के साथ आएंगे, लुकमान को डायरेक्टली पिक करेंगे, अहमद अकमल और यहाँ पे सुहारिल में से किसी को रख सकते हो रिस्की टीम में। उनके बाद स्टार्टिंग ओवर मोहम्मद वाफिक पहला, दूसरा अहमद अकमल, तीसरा आए थे फितरी शाम, डेथ में अजैब खान, आठवां और दसवां नवा डालता मोहम्मद वाफिक। तो भाई अजैब खान को कैप्टन करने में क्या दिक्कत है भाई, डेथ में डाल रहा है प्लस ओपनिंग कर रहा है, बेंच पे जितने बैठे प्लस हमने सबका नाम लिखा है, सबका स्टेटस लिखा है, इसमें से कोई भी खेलेगा दोस्तों टेलीग्राम पे बताऊंगा। पहले बात करेंगे यहाँ से विकेट के पोजिशन में, हजलन है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो हजलन के साथ ही जाना पड़ेगा। उनके बाद बैटिंग सेक्शन में चंदन कुमार, इनको पिक कर लो, मोहम्मद फैज को पिक करेंगे, नीचे आओगे नीचे कुछ खास है नहीं, लुकमान नूर हकीम को पिक करेंगे, फितरी शाम, पीटर इसाक रहेगा, नीलेश ने डाला था लेकिन इस वाला मुकाबले मेरे को लगता है कि नहीं करेगा। देखो सुहारिल जो है ना कम्प्लीटली कोटे का दो डाल रहा है, प्रॉब्लम यही है कि स्टार्टिंग में डाल रहा था इसलिए इनको पिटाई पड़ जाता है। बॉलिंग से समय अजैब खान को पिक करेंगे, उनके बाद जरबानी बढ़िया प्लेयर है, तनवीर खान को पिक करेंगे, यस कतरी सुबारना खेलेगा तो पिक कर सकते हो भाई, टीम के मेन भी कैटेगरी बॉलर है, संतोष गोसावी को भी पिक करके चलिएगा। उनके बाद यहाँ पे आएंगे सीधे सीधे कैप्टन रहेगा अजैब खान, एंड वीसी जो रहेगा ना मेरा वो रहेगा पीटर इसाक, ठीक है, और ये मेरा वाला डेमो टीम है, बाकी आप चंद्र कुमार को बिल्कुल भी वीसी दे सकते हो, कोई शक नहीं, पलर बढ़िया है, तो डेमो टीम है दोस्तों, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीमों को लास्ट टाइम बताऊंगा टेलीग्राम पे, जब आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो जुड़ जाना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।